माया, बस इंद्रवदन, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। वो गलती हो गई माया। गलती हो गई? कितनी आसानी से कह दिया तुमने गलती हो गई। गलती करने से पहले तुमने ये नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी जब मुझे पता चलेगा कि तुमने फिर से अपनी चीजें मेरे कबर्ड में रख दी है। एक या दो चीजें ही तो रखी। एक या दो? एक या दो? I'll show you एक या दो। ये देखो, ये क्या तुम्हारा मास्क, और ये चॉकलेट्स, और ये कामसूत्रा। ये तो मैं एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल करता हूँ। एक्सरसाइज? हाँ, ये भारी है ना, तो मैं इसे डंबल्स की तरह यूज करता हूँ। उसी? ये सारी चीजें मेरे कबर्ड में क्यों हैं? क्योंकि मेरे कबर्ड में जगह नहीं है माया। अरे तो जगह बनाओ ना, ये 10-10 साल पुराने सूट भर के रखे हैं तुमने, किसी गरीब भिखारी को क्यों नहीं दे देते? क्योंकि मैं उनका धंधा चौपट नहीं करना चाहता। यामिन, जरा सोचो माया, अगर सूट पहन के भिखारी भीख मांगेंगे तो उन्हें भीख देगा कौन? तुम्हें उनकी ज्यादा फिक्र है या मेरी? मुझे मेरा जवाब मिल गया इंद्रवदन, थैंक्स वेरी मच। नहीं नहीं माया, सुनो, बात मत करो मुझसे। क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रहे हो? मैं नाटक के रोल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, क्या रोल है? पक्के शराबी का, दिन में 2 बोतल विस्की पीता है। 2 बोतल? अरे तो ठीक से लड़खड़ा हो ना। व्हाट? ओवर एक्टिंग करूं? भाई मैं अंडर प्ले में मानता हूं। साहिल, इसे क्या हुआ? डैड, ये शराबी की एक्टिंग कर रहा है। उतरने के बाद वाली। डैड, इसने 2 बोतल विस्की खाली की है। कहा? वॉश बेसिन में। यू टेक अ वॉक। डैड, आपके लिए क्या स्कॉच ऑन द रॉक्स? नहीं नहीं नहीं, मैंने पीना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि माया ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। तो गम में छोड़ दिया है या खुशी में? डैड, अब छोड़िए, जाइए, मॉम को बनाइए। अरे नहीं मानती यार, यहां तक कि मैंने रोसेश की मिमिक्री भी करके दिखाई। मामा, मुझसे बात करना शुरू कर दीजिए वरना मैं नया नाटक पढ़ना शुरू कर दूंगा। देखा, तू हंसा पर वो नहीं हंसी, खड़ूस। अब मेरी बात मानिए, आप मॉम को कोई अच्छा सा तोहफा दीजिए जिसमें उनका फायदा हो। फायदा? ये क्या है इंद्रवदन? तोहफा? एंटीक अलमारी जिसमें हम दोनों की एक्स्ट्रा चीजें रखेंगे हम। एंटीक? हाँ, वो तुम्हारी वो आर्ट डीलर दोस्त है ना सरिता, वो कह रही थी कि तुम्हें एंटीक्स का बड़ा शौक है। तो सरिता की चॉइस है ये? मुझे लगा ही था। इट्स वेरी नाइस इंदु, आई मीन एब्सोल्युटली प्योर मुगल आर्ट। कहाँ से है ये? वो अकबर, अकबर बादशाह के जमाने की कारीगरी। आई न्यू इट, बिल्कुल साफ नजर आता है। ओह, इट्स लवली इंदु, थैंक यू सो मच। इससे अच्छा तोहफा तुम मुझे दे ही नहीं सकते थे। और इससे किफायती भी नहीं मम्मी जी। दादी जी, ये देखिए 400 रुपए, मैं लड़ झगड़ के ले ही आई उस अकबर के बच्चे से। अकबर? अरे माया, वो अकबर फर्नीचर वाला जिसकी दुकान मरीन ड्राइव के पीछे है, वो रेलवे ट्रैक के पास। वही जिसके बाजू में देसी दारू की दुकान है, आपको तो पता होगा ही। मुझे क्यों पता होगा ही मोनिशा? क्योंकि उस दुकान का नाम माया देसी दारू सेंटर है। माया? हाँ, और माया देसी दारू सेंटर के बगल में ही अकबर कबाड़ी वाले की दुकान है। कबाड़ी वाला? हाँ, जहाँ वो पुरानी चीजें रिपेयर करके बेचता है। दादी जी तो उसे 2000 रुपए दे आए थे, मगर मैं 400 रुपए वापस लेके आ गई। कंग्रेचुलेशंस, इस 400 रुपए का इस्तेमाल करना इसको बाहर निकालने के लिए। लेकिन माया, ये एंटीक अलमारी है। एंटीक? माय फुट, किसी कार्पेंट्री में फेल हुए मिस्त्री की बनाई हुई चीज को एंटीक कहना मतलब मोनिशा को सोफिस्टिकेटेड कहने के बराबर हुआ।
डोंट माइंड हर बेटा, आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट. वाह वाह, रंग बदला मिसेस गिरगिट सारा भाई. जब तक तुम्हारी वो आर्ट डीलर सरिता का नाम इससे जुड़ा हुआ था, तब तक यही अलमारी मुगल आर्ट थी, अकबर के जमाने की कारीगरी थी. लेकिन जब अकबर कबाड़ी वाले का नाम आया तो वही अलमारी खराब हो गई. मोनिशा, इस कचरे को प्लीज बाहर निकालो. माया, ये अलमारी यही रहेगी. नो नो, एंड देयर इज नो मोर डिस्कशन अबाउट दिस इंद्रवदन. यू आर रॉन्ग डैड. मॉम आपकी बहुत इज्जत करती है और वो आपको बहुत चाहती है. वो किसी को नहीं चाहती है, वो सिर्फ अपने आप को चाहती है. मैंने उसे इतना खूबसूरत तोहफा दिया, पर मेक मी अनदर ड्रिंक. नो नो नो, आप ऑलरेडी 3 पैक पी चुके हैं. सो व्हाट, आई एम सोशली सोबर. टोटली सोबर डैड. हाँ वही. आप हिंदी में बोलिए ना. हिंदी में भी बोल के क्या फायदा, वो हिंदी में भी मेरी इज्जत नहीं करती है. वो आपकी इज्जत करती है डैड. ओके ऑलराइट, अगर मैं ये साबित कर दिखाऊं कि वो आपको बहुत चाहती है तो मैं रोसेश को घर से निकाल दूंगा. ओके लेकिन तू ये साबित करके दिखाओ. एक आइडिया है डैड, आप अंदर छुप जाइए. जाइए जाइए जाइए. गुड. और सुनिए, जब तक मैं ना कहूं आप प्लीज बाहर मत निकलिएगा. फिर देखिए मॉम आपकी गैर मौजूदगी से कैसे परेशान होती है. नहीं नहीं, बहुत गर्मी है अंदर, बहुत गर्मी है, मैं नहीं छुप सकता उसमें. तो क्या, अच्छा एक काम कीजिए, आप यही रहिए रूम में, मैं जाता हूँ रूम के बाहर और पहरा लगाता हूँ. गुड आइडिया. हाँ, जैसे कोई रूम की ओर आता है मैं गाना गाकर आपको वार्न कर दूंगा, फिर आप प्लीज जाएंगे ना अंदर. हाँ, प्लीज प्लीज. थैंक यू. अरे सुन सुन, बोलिए तू गाना कौन सा गाएगा. मोनिशा कौन सा गाना गाती है डैड. हाँ, मैं तो रस्ते से जा रहा था, नानी मरी तो मैं. करेक्ट. इंद्रवदन. मॉम आ गई है डैड, अंदर जाइए. तू गाना तो गा. अभी क्या जरूरत है, आपने सुन ली ना आवाज. प्लीज प्लीज प्लीज, जाइए जाइए जाइए. इंदु यू. अरे साहिल, अलमारी इतनी भी बुरी नहीं है. मॉम, नॉट बैड. नो इट्स नॉट बैड, इट्स जस्ट अट्रोशियस. अभी इसी वक्त वॉचमैन से कहकर के इसे जलवा नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी माया नहीं. मॉम, जलाने की क्या जरूरत है, मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा. अच्छा ओके डार्लिंग. अच्छा मुझे बताओ, तुमने इंदु को देखा है. डैड की बहुत याद आ रही है ना. याद तो आएगी ना, उसने अपने सॉक्स वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं. तो शूज के साथ. ही इज इम्पॉसिबल.